तो आज हम लोग देखेंगे थोड़ा सा इसका थ्योरी पार्ट समझेंगे और क्या है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, कहाँ पर इसका यूज होता है और इस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को करने के लिए क्या क्या जो हमको आवश्यकता पड़ेगी, किन किन चीजों की, वो भी हम लोग देखेंगे, प्रोग्राम्स भी हम लोग देखेंगे और एक पूरा एक कंप्लीट ट्यूटोरियल आपको देखने को इसमें मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से। देखिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है, एक एआई जो आप समझते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके माध्यम से एक इंटेलिजेंस सिस्टम के साथ कम्युनिकेट किया जाता है। मान लीजिए कि ये एक आप हो और आप एक इंटेलिजेंस सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करते हो। एक इंटेलिजेंस सिस्टम यानी कि जो आपकी भाषा को समझ सके, आपकी दी हुई कमांड को काम कर सके, यानी कि आप इसे एक अच्छा एक पावरफुल कंप्यूटर जिसके साथ जो एआई पर काम करता हो उसको आप समझ सकते हैं एक इंटेलिजेंट सिस्टम। तो उसके साथ आप कम्युनिकेशन करेंगे, आप कम्युनिकेशन करेंगे तो आप देखिए या तो आप प्रोग्राम बनाएंगे, और प्रोग्राम नहीं बनाएंगे तो क्या करेंगे आप, एक नॉर्मल यूजर है वो प्रोग्राम तो नहीं बनाएगा। अगर आप जैसे कि गूगल है, आप बोलते हैं ओके गूगल, गूगल होम आप यूज करते हैं, ये करते हैं, तो उसके लिए आप प्रोग्राम नहीं बना के देते उसको कि आपने बोला कि भाई टीवी चालू कर दे, तो उसके लिए आपने एक प्रोग्राम बनाया हो। आप क्या करते हैं ओके गूगल बोलते हैं और आप अपनी भाषा में कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं और वो समझ लेता है। जैसे कि मैं उससे बोलूं कि भाई इलॉन मस्क, ट्विटर, कॉस्ट और परचेज, ऐसा कुछ भी बोल दूं तो वो आपको समझ जाएगा कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, ये क्या, ये जो है वो यूजर वो क्या पूछना चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है कि इलन मस्क ने ट्विटर को कितने रुपए में खरीदा है। तो ये क्या है, ये एक टाइप का, इसी ये सब चीजें हम लोग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में पढ़ते हैं। देखिए नेचुरल लैंग्वेज में हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, तो नेचुरल लैंग्वेज जो हमारी है वो है, हम लोग अभी जो ले रहे हैं वो है इंग्लिश, नेचुरल जो लैंग्वेज है उससे हमारा मीनिंग अभी है इंग्लिश। इंग्लिश को हम पढ़ रहे हैं क्योंकि अधिकतर जो लाइब्रेरीज और जो भी बने हुए हमारे पास यहाँ पर बने हुए मॉडल्स हैं वो इंग्लिश के लिए ज्यादातर बने हुए हैं, वो हम लोग यूज करने वाले हैं। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, मान लीजिए कोई रोबोट है, रोबोट क्या होता है, देखिए कोई ऐसा नहीं कि रोबोट जो मूवी में आपने देखा वही रोबोट होता है, रोबोट एक प्रोग्राम भी हो सकता है, ठीक है, एक हार्डवेयर के साथ बना हुआ प्रोग्राम भी हो सकता है और एक सिर्फ सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। तो एक रोबोट है उसके साथ आपको कम्युनिकेट अगर करना है अपनी भाषा में और कोई इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कराना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये अगर हम कहें कि ये सेल्फ लैंग्वेज या मदर टंग या जो भी आपकी भाषा उससे आप बात करना चाहते हैं तो आपको क्या, किसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो आपको फिर यहाँ पर एनएलपी की जरूरत पड़ेगी। बिना एनएलपी के आप फिर इससे बात नहीं कर सकते हो, ये आपको कुछ आउटपुट नहीं दे सकता, ठीक है। इस रोबोट से आप पूछेंगे कि भाई बताइए भारत की राजधानी क्या है, या आप इतना ही बोल देंगे इंडिया कैपिटल या कैपिटल ऑफ इंडिया कुछ भी बोलेंगे तो आपको वो एक आंसर ला के देता है, या आप बोलते हैं स्विच ऑन द बल्ब तो वो आप के इंस्ट्रक्शन पे काम करता है। तो ये कैसे संभव है, ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से ही संभव है। अब आगे देखते हैं क्या क्या चीजें इसमें अंदर और यूज होने वाली है। देखिए तो देखिए एनएलपी के क्षेत्र में अगर हम देखें तो कंप्यूटर से मनुष्य द्वारा उपयोग होने वाली भाषाओं का यूज करके यूजफुल काम कराते हैं। तो मनुष्य के द्वारा होने वाली भाषाएं कौन कौन सी है, यानी कि ह्यूमन के द्वारा बोली गई लैंग्वेजेस, ह्यूमन लैंग्वेजेस जो हैं, एक तो कंप्यूटर की लैंग्वेज हो जाती है, एक होती है ह्यूमन लैंग्वेज, जैसे कि हम कहीं भाई हिंदी में बोल सकते हैं, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, फ्रेंच में बोल सकते हैं, ठीक है, या आप चाइनीज में बोल सकते हैं, जो भी है तो वो मैंडरिन में बोल सकते हैं। तो ये क्या है, ह्यूमन के द्वारा बोली गई भाषाएं हैं, इनका यूज करके हम कुछ भी आप उससे काम करा सकते हैं। अब एनएलपी में इनपुट और आउटपुट सिस्टम जो होता है वो कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। एनएलपी के अंदर इनपुट और आउटपुट सिस्टम, आउटपुट सिस्टम, इनपुट और आउटपुट सिस्टम में हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो है हमारे पास स्पीच और दूसरी जो चीज आती है वो आता है हमारा रिटन टेक्स्ट। दो चीजों से हम लोग एनएलपी के अंदर ये काम कर सकते हैं, इनपुट आउटपुट कर सकते हैं, यानी कि या तो हम बोल के कर सकते हैं, ठीक है, बोल जो भी आप बोलते हैं, ठीक है, तो वो उससे आपका वो ये पढ़ सकता है, ये जो भी आप बोलते हैं, ठीक
उससे पढ़ सकता है, या आपके पास कुछ डेटा लिखा हुआ हो उसको एज ए इनपुट हम ले सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा पीडीएफ टू वर्ड कन्वर्टर देखे होंगे, या किसी टेक्स्ट को आप कॉपी करके उससे उसका एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, कुछ समरी निकाल लेते हैं, तो ये सब चीजें क्या है, ये रिटन टेक्स्ट में आ जाती हैं। तो इसका भी हम लोग इनपुट एज ए इनपुट इसको ले सकते हैं। आगे हम लोगों को देखना है कि कंपोनेंट कौन कौन से हैं एनएलपी के। तो कंपोनेंट्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि हमको आना है फिर बाद में इसके कुछ टेक्निकल पार्ट पर। तो क्या पहले हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एनएलपी के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ना है। तो यहाँ दो चीजें आती हैं, एक तो आता है हमारा नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, यानी एनएल अंडरस्टैंडिंग, नेचुरल लैंग्वेज को एनएल लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। और दूसरी जो चीज आती है वो आती है नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन, यानी कि एनएलजी जिसको बोलते हैं, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। अब हम लोग देखते हैं, देखिए एनएलयू जो है नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, इसमें क्या होता है, दिए गया जो इनपुट होता है वो इनपुट है जो, अब वो इनपुट किसमें है, वो नेचुरल लैंग्वेज में, यानी अगर आप इंग्लिश में दे रहे हैं आप लोग तो इंग्लिश में आपने इनपुट दिया हुआ है, उसको उपयोगी रूप से, उपयोगी रूप से मतलब आप समझिए उपयोगी रूप से रिप्रेजेंटेशन में मैप किया जाता है, यानी कि आपने जो भी इनपुट दिया है उसको थोड़ा अच्छे तरीके से मैप कर देते हैं जिससे कंप्यूटर को आसानी से समझ में आ जाए। तो ये तो आता है हमारा एनएलयू के अंदर। और भी चीजें क्या आती है एनएलयू में, कि देखिए जो लैंग्वेज के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं उनका भी एनालिसिस इसमें करते हैं हम लोग एनएलयू के अंदर। अगली जो चीज है वो है हमारी एनएलजी, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। जनरेशन में क्या है कि ये नेचुरल लैंग्वेज के रूप में मीनिंगफुल वर्ड और फ्रेजेस को बनाने की प्रोसेस, मान लीजिए आप इसे मीनिंगफुल वर्ड और फ्रेजेस नेचुरल लैंग्वेज में, जैसे कि मैंने बताया था ना, आपने बोला कि भाई जैसे मैंने बोला नेक्स्ट, सोलर, इक्लिप्स, इंडिया, तो अगर वो समझ जाएगा कि भाई यूजर क्या पूछना चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है कि इंडिया में अगला सोलर इक्लिप्स कब दिखाई देगा। तो ये सब चीजें, ये क्या है, हम लोगों ने वर्ड और फ्रेजेस से मीनिंगफुल कुछ भी बना दिया, या आपने कोई स्पेलिंग गलत लिख दी तो वो समझ जाएगा कि भाई ये क्या कहना चाह रहा है। अगला जो आता है हमारा एनएल जी के अंदर वो ही आती है हमारी, वो आता है हमारा टेक्स्ट प्लानिंग। देखिए टेक्स्ट प्लानिंग क्या है, इसके अंडर में हम लोग क्या करते हैं, एक नॉलेज बेस से रिलीवेंट कंटेंट को, रिलीवेंट कंटेंट यानी कि जो आपके मतलब का जो जो भी कंटेंट है उसको हम लोग उठा लेते हैं और उसको रिट्रीव कर लेते हैं, है ना, नॉलेज बेस से। अब नॉलेज बेस क्या है, नॉलेज बेस से एक जो नॉलेज बेस से आपका जो कंटेंट है उसको रिट्रीव करना, ठीक है। तो ये सब आता है हमारा इसके अंदर। अगला जो पार्ट है इसका वो है हमारा सेंटेंस प्लानिंग। ये सब चीजें आ रही है हमारी नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन में आ रही है। सेंटेंस प्लानिंग क्या है, जो आपके काम के वर्ड्स हैं उनको सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद उनके जो फ्रेजेस है उसका क्या अर्थ निकल रहा है उसको उठा लेना, और जो सेंटेंस है उसका क्या मीनिंग निकल रहा है, वो किस किस सेंस में बोलना चाह रहा है, क्या उसका कहते हैं ना भाव क्या है उसका बोलने का, उसको सेलेक्ट करना, ये सब चीजें हमारी सेंटेंस प्लानिंग के अंदर आती है। अगला जो आएगा वो आएगा हमारा टेक्स्ट रियलाइजेशन। ये भी हमारा एनएल जी में ही आता है। टेक्स्ट रियलाइजेशन यानी कि आपने बनाना, आपको क्या बनाना है इसके अंदर, सेंटेंस प्लान बनाना है। सेंटेंस प्लान क्या होता है, सेंटेंस प्लान यानी कि सेंटेंस प्लान को सेंटेंस प्लान से, या कहें अपन सेंटेंस प्लान से अपन लोग क्या बनाते हैं, सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है, ये चीज आती है हमारी इसमें। अच्छा अगर हम बात करें कि एनएलयू यानी नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग या एनएलजी ज्यादा टफ पार्ट कौन सा है, तो हम कहेंगे ये एनएलजी जो है वो ज्यादा टफ पार्ट है, या ज्यादा हार्ड है, ये चीज करना बहुत ज्यादा टफ है। अब टफ है तो क्या क्या समस्याएं आती है नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन में वो हम लोग देख, सॉरी नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो हम लोग देख लेते हैं। एनएलयू में आने वाली प्रॉब्लम्स हैं जो, वो क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहली बात है आपकी जो आती है वो है लेक्सिकल एम्बिग्युटी,
अब ये लेक्सिकल एम्बिग्युटी क्या होती है, देखिए लेक्सिकल क्या है कि सबसे पहले जो स्टेप होता है उसमें ये टाइप की प्रॉब्लम आती है, जैसे कि मैं कहूँ बोर्ड, आपने बोल दिया बोर्ड कि ही बोर्डेड द ट्रेन, ही बोर्डेड द फ्लाइट। अब ये बोर्ड कौन सा वाला बोर्ड बोल रहा है, स्पेलिंग उसने सही लिखी कि नहीं लिखी, ये बोर्ड बोर्ड जो जो अपन बोर्ड लिखते हैं ना, ये जो बोर्ड है ये वाला बोर्ड है या और कोई सा, या एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं, जैसे कि मैं कहूँ कि यू वाटर द प्लांट। अब वाटर का मतलब तो पानी होता है, लेकिन यहाँ वाटर क्या है, ये वर्ब है, वाटर द प्लांट यानी पेड़ों को पानी देना। अब ये चीज समझ में नहीं आई उसको कि भाई ये क्या है, तो ये चीज होती है हमारी लेक्सिकल एम्बिग्यूटी। लेक्सिकल एम्बिग्यूटी के बाद अगला जो हमारा आता है वो आता है सिंटेक्स लेवल एम्बिग्यूटी। अब ये सिंटेक्स लेवल एम्बिग्यूटी क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ, मैं अगले पेज पर ले जाता हूँ। चलिए, तो जो सेकंड है वो हमारा है सिंटेक्स लेवल एम्बिग्यूटी। देखिए सिंटेक्स लेवल एम्बिग्यूटी वो क्या है, जैसे कि आप अगर इंग्लिश भाषा की बात करें तो एक सेंटेंस को हम लोग कई तरीकों से समझा सकते हैं, है ना। जैसे मैं कहूं कि ही यूज्ड चीट कोड टू प्ले गेम, है ना। अगर मैं कहूं ही यूजेस चीट कोड टू प्ले गेम, इंग्लिश हो या हिंदी हो, जो भी यूजर की भाषा, उन दोनों में ही ऐसे हम लोग वाक्य जो बोलते हैं वो ऐसे होते हैं कि आप उनको अलग अलग तरीकों से बोला जा सकता है आपको। अब ह्यूमन के साथ क्या है, हम तो उसकी भावनाओं को समझ लेते हैं, बट कंप्यूटर में भी ये चीज होना जरूरी है, मतलब जो एक इंटेलिजेंट मशीन हम लोग बना रहे हैं उसमें भी ये चीज होना जरूरी है, ठीक है ना। अब ये हो गया। अब एक और मैं इसका वो लिखता हूँ, एक और सेंटेंस लिखता हूँ कि डिड ही यूज चीट कोड व्हाइल प्लेइंग गेम्स। ठीक है, तो ये कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिन दोनों का मतलब एक ही निकल रहा होता है, लेकिन अब इन सेंटेंस को अलग अलग तरीकों से समझाना तो ये सेंटेंस लेवल एम्बिग्यूटी में आता है। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, जैसे कि मैं खाना खाने के बाद पानी पीता हूँ, है ना, या इसको हम और दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कि मैंने खाना खाया उसके बाद पानी पिया और बिना बिना पानी पिए मैं खाना खत्म नहीं करता। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं, जिन वाक्य हैं जिनका मतलब एक ही निकलता है, लेकिन इनको अलग अलग तरीकों से बोला जाता है। तो जब इस टाइप की कोई प्रॉब्लम आती है हमारी तो इसको हम लोग कहते हैं सेंटेंस लेवल एम्बिग्यूटी। तीसरा जो है, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, हो सकता है मैं आपको जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ उससे आपको समझ आया हो ना आया हो, लेकिन आप समझ सकते हैं कि अलग अलग वाक्य जो बोले जाते हैं, सेंटेंस बोले जाते हैं, उनका जो सेंस होता है वो कुछ और ही निकलता है, एक जैसे निकलते हैं कई बार, अलग अलग वाक्यों का मतलब एक ही निकलता है। अगला जो हमारा वो है हमारा रेफरेंशियल एम्बिग्यूटी। देखिए रेफरेंशियल एम्बिग्यूटी क्या होता है कि अगर हम किसी को प्रोनाउन का यूज करके रेफर करें या संबोधित करें, हिंदी में बोलूं तो, है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं रेफरेंशियल एम्बिग्यूटी। कई बार क्या होता है, हम तो समझ जाते हैं बट एक मशीन को समझाना ये बहुत ही मुश्किल है। हम लोग जब जनरल भाषा में एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो हम लोग एग्जैक्ट जो ग्रामर है उसका उपयोग नहीं करते हैं। बहुत बार हम लोग कहते हैं ना, अरे यार वहां पे सब ऐसे ही चल रहा है। अब वहां पर ऐसा ही चल रहा है, अब ये सामने वाले पर निर्भर करता है कि वो उसको किस तरीके से समझता है। लेकिन हो सकता है आपके सामने वाला आपकी बात समझ रहा हो, लेकिन अगर हम एक मशीन की बात करें तो हो सकता है वो आपकी मशीन वो आपकी बात को ना समझ पाए, है ना। जैसे कि अगर मैं कहूँ प्रोफेसर वेंट टू प्रिंसिपल और ही सेड आई विल नॉट कम टुमारो, अब इस केस में क्या हो रहा है कि वो समझ नहीं पाएगा कि
कौन किससे बात कर रहा है। प्रोफेसर ने प्रिंसिपल से बोला और उसने बोला मैं नहीं आऊंगा, मैं कौन है, ये कौन है मैं, ये प्रोफेसर अपनी बात कर रहा था या किसी और की बात कर रहा था, ये चीजें समझ नहीं आती। तो जब हम ज्यादा प्रोनाउंस का यूज करते हैं तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं। हमको तो समझ आ जाता है, लेकिन एक मशीन के लिए समझना काफी अंतर होता है। अब इसमें क्या क्या चीज होती है, एक तो प्रोनाउंस हो गया, दूसरा हो गया एक इनपुट के कई जब अर्थ निकल रहे हो, बहुत सारे मीनिंग्स निकल रहे हो एक ही इनपुट के, और बहुत सारे इनपुट के एक ही मीनिंग निकल रहे हो, उन दोनों केस में इसका यू वो इसको रेफरेंशियल एम्बिग्युटी कहते हैं। तो ये तो थी कुछ समस्याएं जो कि आती हैं हमको। अगले है कि एनएलपी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कुछ यूज होने वाले वर्ड्स, या अपन कहें कि उसकी डिक्शनरी अगर हम देखें तो उसमें कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जो बार बार हम लोग यूज होंगे। तो पहला है हमारा फोनोलॉजी, फोनोलॉजी क्या है कि साउंड को क्या कहें, सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करने की जो स्टडी होती है, जो साउंड है उसको हमको क्या करना है, सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करना है। उसको कहते हैं हम लोग फोनोलॉजी, ठीक है, फोनोलॉजी, क्योंकि साउंड से बहुत अंतर निकलता है, मतलब बहुत डिफरेंस आता है, क्योंकि बहुत से ऐसे वर्ड हैं अगर उनको आप बोलोगे तो इनका फोनेटिक देखो तो एक जैसा ही है, लेकिन उनके मतलब अलग अलग निकलते हैं। अगला है हमारा मोर्फोलॉजी। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये इंग्लिश ग्रामर क्यों पढ़ा रहे हैं सर, तो देखिए कि अब हमने जिस हिसाब से भाषा सीखी है वही भाषा हम चाहते हैं कि हमारी मशीन भी बिल्कुल उसी वे में उसको समझे। तो हमें ये चीज हमको समझना पड़ेगी कि पहले हम लोग किस तरीके से समझते हैं। अगर एक छोटा बच्चा पैदा होता है फिर धीरे धीरे आप वो आपके बोलने को देखते हुए अपना भाषा सीखता है। अगर कोई किसी के घर में इंग्लिश ही बोली जा रही तो वो इंग्लिश सीख जाता है, हिंदी बोली जा रही तो हिंदी सीख जाता है, उसका दिमाग या ब्रेन किस तरीके से उसको समझना चालू करता है, तो वो उसी तरीके से हमको मशीन के बारे में भी समझना पड़ेगा। तो अगला आता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी यानी कि प्राइमरीली जो सेंसफुल मीनिंगफुल, या मैं कहें मीनिंगफुल लेटर्स से बनने वाले जो शब्द हैं उनको बनाने का जो स्टडी है उसको हम लोग कहते हैं मॉर्फोलॉजी, ठीक है। तीसरा जो चीज आती है वो आता है मॉर्फीन, मॉर्फीन या मॉर्फीम, हाँ मॉर्फीन ऐसा सब उसको बोलते हैं। ये क्या है, एक भाषा में अर्थ की प्रिमिटिव यूनिट, एक जो मीनिंग निकलता है, मीनिंग की जो प्रिमिटिव यूनिट है उसको बोलते हैं मॉर्फीन। और अगला आता है जो वो है हमारा सिंटेक्स। अब ये सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स यानी शब्दों को अरेंज करके एक सेंटेंस बनाना, वर्ड्स हैं बहुत सारे वर्ड्स हैं उनको अरेंज करके एक सेंटेंस बनाना, इसको हम लोग कहते हैं सिंटेक्स। कई बार शब्द आगे पीछे भी हो जाते हैं, लेकिन उसको सही तरीके से उसको समझाना, उसको एक अच्छे सेंटेंस में कन्वर्ट करना, वो आता है हमारा एक सिंटेक्स। अगला है सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स क्या है भाई, सिमेंटिक्स यानी शब्दों का जो अर्थ है और शब्दों को जोड़कर एक मीनिंगफुल फ्रेज या पूरा सेंटेंस बनाना शब्दों को जोड़कर, उसको हम लोग कहते हैं सिमेंटिक्स। अगला है हमारा जो छठवां आता है वो है प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स क्या है भाई, अलग अलग कंडीशन में जो सेंटेंस का जो यूज है उसको समझना, उसको हम लोग कहते हैं प्रैग्मेटिक्स। अगला जो है वो है हमारा डिस्क्लोजर, सॉरी ये क्या कहते हैं इसको, डिस्कोर्स कहते हैं। डिस्कोर्स, डिस्कोर्स क्या है कि पहले सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस के अर्थ में क्या अंतर आएगा, ये आता है डिस्कोर्स। कई बार क्या होता है, दो सेंटेंस हमने बोला, ये सेंटेंस नंबर वन, ये सेंटेंस नंबर टू, अगर हम अकेले सेंटेंस टू को बोलें तो अलग मतलब निकलेगा, सेंटेंस वन को अकेले बोलूंगा अलग निकलेगा, सेंटेंस वन के बाद सेंटेंस टू बोलूंगा तो अलग मतलब निकलेगा, तो इसको हम लोग कहते हैं डिस्कोर्स। आप समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं कि
और अगला है हमारा वर्ड नॉलेज। वर्ड नॉलेज एक जो जैसा कि अपन समझ सकते हैं, एक शब्द है, कोई भी वर्ड है, उसका जनरल नॉलेज और क्या अर्थ निकलता है ये हमको पता होना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं एनएलपी में, ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमको पता होना चाहिए, कौन कौन सी चीजें हैं जो यूज होती हैं अधिकतर इनके, ये जो शब्दावली कह सकते हैं इसको, बार बार आपको यूज होगी। ठीक है, अब मेन जो स्टेप हमारे चालू होने वाले हैं वो ये है, जो हमको पढ़ना है वो है स्टेप्स ऑफ एनएलपी। ठीक है, पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, फिर हम इन सभी को डिटेल में प्रोग्राम का यूज करके, कौन कौन सी इसके अंदर लाइब्रेरीज हमारे पास अवेलेबल हैं जिनसे हम लोग ये चीज कर सकते हैं, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है हमारा लेक्सिकल एनालिसिस, देखिए लेक्सिकल एनालिसिस में क्या करते हैं कि पूरे टेक्स्ट को या पैराग्राफ या सेंटेंस को वर्ड में तोड़ देना, यानी कि आपके पास एक पूरा का पूरा, हमने एक टेक्स्ट लिया कहीं से कॉपी किया, सपोज कीजिए आपने विकिपीडिया से पूरा टेक्स्ट उठा लिया और फिर उसको पूरे टेक्स्ट को हम क्या करते हैं यहाँ पर, इस टेक्स्ट को सेंटेंस और वर्ड्स में तोड़ देते हैं, सेंटेंस में और वर्ड में इसको ब्रेक कर देते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं। और अच्छा, तोड़ने के बाद क्या करेंगे, तोड़ने के बाद, अभी पूरी चीज नहीं हुई है, तोड़ने के बाद इसके इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ड ऑर्गेनाइजेशन कहें या इसकी जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को समझना, इसके पूरे स्ट्रक्चर को समझना, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं लेक्सिकल एनालिसिस। अब समझते क्यों है स्ट्रक्चर को, देखिए कोई बड़ा सा टेक्स्ट है उसको छोटा करना है, छोटे टेक्स्ट को बड़ा करना है, उसका सही मतलब निकालना है, तो ये हम लोग लेक्सिकल एनालिसिस में ये चीज कर सकते हैं। अगला जो है वो है सिंटैक्टिक एनालिसिस, सिंटैक्टिक, सॉरी ये गलत स्पेलिंग लिख दी मैंने, सिंटैक्टिक एनालिसिस। देखिए सिंटैक्टिक एनालिसिस क्या है, वर्ड को एनालिसिस करना है, ग्रामर को समझना है और वर्ड्स को एक ऑर्डर, स्पेशल एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लगाना है, जिससे कि वर्ड्स के बीच में एक रिलेशन हो, यानी कि पहले तो हम लोग क्या करना है, वर्ड्स को समझना है, ठीक है, वर्ड्स की ग्रामर को समझना है, ठीक है, ग्रामर भूतकाल में बोला जा रहा है भाई, पास्ट का है, फ्यूचर का है, क्या कहना चाह रहा है ये समझना है, और इन वर्ड्स को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक ऑर्डर में लगाने से क्या होगा, स्पेसिफिक ऑर्डर में लगाएंगे हम जिससे कि वर्ड्स के बीच में क्या हो, रिलेशन समझ में आए, वर्ड्स के बीच जो रिलेशन है वो बन जाए एक, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं सिंटैक्टिक एनालिसिस। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे कि अगर मैं कहूं कि दिस ग्वालियर, ग्वालियर एक शहर का नाम, गोज टू बस, अगर मैं इस वाक्य को देखूं, एक एक सेंटेंस को देखूं, तो ग्रामेटिकली ये सही है, मतलब ऐसा कुछ अंतर नहीं है, ग्वालियर नाम की कोई चीज या कुछ भी है वो बस की तरफ जा सकती है, बट ग्वालियर यहाँ पर एक शहर है, तो ये लेक्सिकल एनालिसिस के हिसाब से तो ठीक है, क्योंकि ये सिंटेक्टिक एनालिसिस जब होगा तो वो इसको ये रिजेक्ट कर देगा कि भाई ये ऐसा थोड़ी ना होता है ना, जैसे कि मैं कहूं कि दिस ट्रेन, द ट्रेन लेफ्ट फॉर दिल्ली, अगर मैं कहूँ दिल्ली लेफ्ट फॉर ट्रेन, तो वो ये सिंटैक्टिक एनालिसिस, इसको एनालाइजर जो होगा वो इसको रिजेक्ट कर देगा कि भाई ये कुछ तुम उल्टा सीधा बोलने की कोशिश कर रहे हो, ये गलत है, ये चीज ये सही नहीं है। ठीक है, और इसके बाद तीसरा जो आता है वो आता है हमारा सिमेंटिक एनालिसिस,
ठीक है। देखिए क्या होता है, जब हम भाषा कोई बोलते हैं तो हमारे ब्रेन में भी ये सब चीजें होती हैं, लेकिन हम उनको जान नहीं पाते। ये चीजें इतनी फास्ट होती कि हम भी उनको जान नहीं पाते, ठीक है। लेकिन हमको पता चलता है कि ये एक चीज, हम हमारे सामने भी अगर कोई इस तरीके की बात करेगा तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे कि भाई ये शब्द ही गलत बोल रहे हो तुम, तो है ना, ये जो सेंटेंस है ये गलत बोल रहे हो। तो सेमेंटिक एनालिसिस पढ़ते हैं। सेमेंटिक एनालिसिस में क्या है, ये टेक्स्ट का एक एग्जैक्ट मीनिंग या कहीं डिक्शनरी वाला जो मीनिंग होता है ना उसको निकालता है, टेक्स्ट का डिक्शनरी वाला मीनिंग। ठीक है, ऐसा नहीं जो आपके कुछ भी स्लंग चल रहे हैं आपसी बोलचाल की भाषा में उसका मतलब वो नहीं है ना। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी का नाम रख दिया पंखा, ठीक है, या कुछ भी नाम रख देते हैं। बहुत बार अपने क्या होता है कि आपसी बोलचाल की भाषा में किसी का नाम ट्रक रख दिया, किसी का नाम बस रख दिया, लेकिन वो चीज संभव नहीं। अगर मैं कहूँ कि भाई ये बस नहीं आया तो वो बस नहीं आया, अगर मैं किसी मशीन के सामने बोलूंगा तो उसको समझ नहीं पाएगा कि ये बस नहीं आया, कौन है ये, किसी इंसान को बोल रहे या बस, एक्जेक्ट बस की बात कर रहे। तो यहाँ क्या है, यहाँ डिक्शनरी का मीनिंग निकलेगा। अच्छा मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ, तो यहाँ क्या है कि ये टेक्स्ट को चेक करेगा कि ये कुछ अर्थपूर्ण है, अर्थपूर्ण यानी कि कुछ सेंसफुल, सेंसलेस, सेंस कोई सेंस है इस बात की कि नहीं, ये चीज चेक करेगा। जैसे मैं कहूँ, अगर एक एग्जाम्पल दूं मैं आपको इसके बारे में, हमेशा आप याद ध्यान रखना, लिविंग डेड बॉडी, ओके, लिविंग डेड बॉडी संभव है क्या? बिल्कुल नहीं है साहब संभव। या मैं कहूँ कोल्ड फायर, ये भी संभव नहीं है। ये हॉलीवुड की मूवीज के टाइटल हो सकते हैं बट ये इनमें संभव नहीं है, क्योंकि ये डिक्शनरी के मीनिंग में ये इस टाइप की कोई चीज होती नहीं है, तो उसको रिजेक्ट कर देंगे, है ना। अगला जो आता है हमारा वो आता है डिस्कोर्स इंटीग्रेशन। डिस्कोर्स इंटीग्रेशन क्या है, एक देखिए, एक सेंटेंस का कोई मीनिंग निकलता है और इसके पहले बोले गए जो सेंटेंस है उस पर डिपेंड करता है। इसके पहले मैंने अभी आपको पढ़ाया था डिस्कोर्स का मतलब, ये वही है। जो अगर मैं कहूँ आपको, मैं चलिए हिंदी में समझाता हूँ, यहाँ पर दो वाक्य हैं, यहाँ पर दो सेंटेंस हैं कि अगर भूख लगे, ठीक है, और अगला जो मैं कर देता हूँ कि खाना खा लेना है ना, तो ये दोनों आपस में संबंधित हैं। खाना खा लेना एक एक वाक्य हो गया, भूख लगे तो एक वाक्य हो गया। दोनों अगर इसको आगे करके इसको कर दूं तो क्या होगा, इसका मतलब कुछ और निकल जाए, है ना। अरे समझ सकते हैं आप, ये एक एग्जाम्पल था। ऐसे बहुत से ऐसे वाक्य होते हैं जो अगर पहले बोले जाए उसके बाद दूसरा बोला जाए तो उसका कुछ और मीनिंग निकलता है, लेकिन अगर आपने अकेला उसको बोला है तो उसका मीनिंग कुछ और निकल गया, ठीक है। तो ये था हमारा डिस्कोर्स, और अगला जो आता है हमारा वो आता है प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक एनालिसिस जिसको कहते हैं, प्रैग्मेटिक की जो आपने बोला है उसको फिर से, हिंदी में बोले तो पुनर्व्याख्या, एक शब्द है पुनर्व्याख्या यानी कि रीडिफाइन समथिंग, है ना, उसको करना, किसी चीज का रीडेफिनेशन करना, मतलब उसका मतलब निकल क्या रहा है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए हमको रियल वर्ल्ड नॉलेज चाहिए। रियल वर्ल्ड नहीं, रियल वर्ल्ड की वर्ल्ड नॉलेज चाहिए। वर्ल्ड नॉलेज जो ये है, इसमें वर्ल्ड भी है और वर्ल्ड भी है, वर्ल्ड नॉलेज भी होना चाहिए आपको कि भाई असली में वो शब्द किस तरीके से बोले जाते हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं, तो एनएलपी में अगर हम आप लोग यूज कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग आप बना रहे हैं, कोई प्रोग्राम या कुछ भी बना रहे हैं एनएलपी के लिए, तो यहाँ हम लोग कुछ लाइब्रेरीज का यूज करते हैं जो आपको आगे आवश्यकता पड़ी, तो उन लाइब्रेरीज के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, बाद में हम इसके प्रोग्रामिंग पार्ट पर आएंगे अगले वीडियोस में। तो श्योर करें कि आप ये वीडियो जरूर देखें, उसके बाद वो वीडियो देखें। तो पहले ये वाला वीडियो आपको देखना जरूरी है, थोड़ा थ्योरी पार्ट आपको जानना,
बहुत जरूरी है। तो एनएलपी में लिए कौन कौन सी लाइब्रेरीज हम लोग यूज कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो है आपका एनएलटीके, एनएलटीके यानी नेचुरल लैंग्वेज टूल किट जिसको कहते हैं। इसको किस तरीके से इंस्टॉल करना है ये भी मैं बताता हूँ आपको। ये आपको जो इसकी साइट है www.nltk.org, वहां पर इसका आपको सेटअप मिल सकता है, वहां से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अगला जो है हमारा, तो इसके अंदर आपको बहुत सी ऐसी लाइब्रेरीज मिलेंगी जिनका और मॉडल्स मिलेंगे जिनका यूज हम लोग अभी एनएलपी के जब भी कोई प्रोग्राम बनाएंगे या उससे एसोसिएट कुछ भी एप्लीकेशन बनाएंगे तो वहां हम इसका यूज कर सकते हैं। अगला जो है हमारा वो है टेक्स्ट ब्लॉक, ठीक है। ये टेक्स्ट ब्लॉक ब्लॉक कहाँ काम करता है? टेक्स्ट ब्लॉक आपका सेंटिमेंटल एनालिसिस के लिए काम आता है, ध्यान रखें आप। सेंटिमेंटल एनालिसिस में यूज होता है। और इसकी जो साइट है वो सेंटिमेंटल एनालिसिस से याद आया, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं। तो देखिए ये पोस्ट टैगिंग हुआ, नाउन फ्रेज हुआ, एक्सट्रैक्शन हुआ ट्विटर, और इससे हम लोग जो निकालते हैं ना डेटा, ये वहां पर ये आपका बहुत ज्यादा यूज होता है। दूसरा है हमारा, तीसरा जो है हमारा वो है कोर एनएलपी। ये आपको कहाँ मिलेगा भाई इसका? अगर आपको यूज करना है तो टेक्स्ट ब्लॉक डॉट रीड द डॉक्स डॉट आईओ, ठीक है, ये साइट है टेक्स्ट ब्लॉक डॉट रीड द डॉक्स डॉट आईओ, ये साइट है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा io/en/devv, यहाँ आपको इसका मिल जाएगा, मॉडल्स मिल जाएंगे, लाइब्रेरीज मिल जाएंगी, तो वहां से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अगला है हमारा कोर एनएलपी। कोर एनएलपी लाइब्रेरी कहाँ मिलेगी? ये जावा में बनी हुई है, ध्यान रखें आप। और ये जो हमको बनेगी वो मिलेगी स्टैनफोर्ड की साइट, स्टैनफोर्ड ने बनाई है एक्चुअली ये, तो स्टैनफोर्ड डॉट सॉरी स्टैनफोर्ड एनएलपी डॉट गिटहब पर मिल जाएगा। गिटहब पर इसकी रिपोजिटरी है, github.io/core-nlp, तो यहाँ आपको मिल जाएगा core-nlp। अगला जो है वो हमारा है जेनसिम लाइब्रेरी, इसके बारे में अधिकतर लोगों ने सुना होगा, काफी यूज होती है, जो लोग एनएलपी में काम करते हैं पाइथन में वो इनका यूज होता है। ये हमारा जो इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? वेक्टर स्पेस मॉडलिंग, और टॉपिक मॉडलिंग टूल किट में है ना, ये चीज इसमें मिल जाती है हमको। ये कहाँ काम आएगा? काम आएगा आपका जैसे सिमेंटिक सिमिलरिटी देखना है आपको दो डॉक्यूमेंट के बीच में, वहां हम लोग इससे इसका यूज कर सकते हैं। और भी इसके अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जिनका यूज होता है। एक जो काफी इंपॉर्टेंट है इसके बाद जो आने वाली है, अगले पेज पर आता हूं मैं, वो है हमारी स्पेसी। स्पेसी में भी काफी फंक्शंस हैं इसके अंदर। ये फास्टेस्ट सिंटैक्टिक पार्सर है आज के समय में जो अभी अवेलेबल है, फास्टेस्ट सिंटैक्टिक पार्सर, इसलिए अधिकतर लोग स्पेसी का यूज करते हैं। जो लोग एनएलपी यूज करते हैं सबसे ज्यादा स्पेसी जो लाइब्रेरी है इसी का यूज करते हैं, है ना। अगर आपने सुना हो कि टेक्स्ट टू हैंड राइटिंग भी कन्वर्ट हो जाता है पाइथन से, हम लोग कर सकते हैं, तो वो भी इसमें भी स्पेसी का बहुत रोल हो जाता है। कुछ मॉडल्स हैं इसके जिनका यूज करके हम लोग ये काम भी कर सकते हैं, हम लोग अपनी हैंड राइटिंग के लिए भी ट्रेन करा सकते हैं उसको, है ना। अभी मार्केट में सबसे अवेलेबल जो सबसे फास्टेस्ट सिंटेक्टिक पार्सर है वो स्पेसी डॉट ये वाला है, तो स्पेसी डॉट आईओ से आपको मिल जाएगा। और बाकी आप चाहें तो पाइथन में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, पीआईपी का इंस्टॉल यूज करके भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं, यह है हमारी पॉलीग्लॉट। अगली देखिए जो अवेलेबल है वो सब बता रहा हूँ, बाकी जिसका यूज हम लोग करना होगा अधिकतर हम एनएलटीके और स्पेसी, एनएलटीके स्पेसी और जेनसिम, ये तीन लाइब्रेरीज का ज्यादातर यूज करते हैं। जो मैंने यूज किया है वो इनका ही यूज किया है, बाकी का ज्यादा यूज मैंने नहीं किया है। ये पॉलीग्लॉट और स्पेसी लगभग लगभग बराबर है, दोनों एक जैसे हैं। अगली जो है साइकिट, साइकिट SCI साइकिट, नाम से क्लियर हो रहा होगा, साई साइंटिफिक है ये, है ना। तो इसके अलावा आठवें नंबर, आठवीं और बता देता हूं मैं आपको, ये है हमारी
ये पैट लर्न, ये भी बहुत सी जगह यूज होती है। ये पैट लर्न क्या है? देखिए पैटर्न लर्न है, ये एक टाइप का वेब क्लॉरर, क्या कहते हैं इसको, वेब क्लॉक, वेब क्रॉलर, माफ कीजिए बोल नहीं पा रहा था, वेब क्रॉलर जो होता है वो है ये। ये हम लोग ट्विटर में, फेसबुक में इसको यूज कर सकते हैं, अधिकतर लोग यूज करते हैं इसको। बाकी फिर आपको पता ही होगा कि कहाँ क्यों यूज होता है ये, ठीक है। तो ये सब चीजें थी हमारी। क्या था ये भाई, ये एनएलपी के लिए जो इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज है वो हम लोगों ने पढ़ ली, है ना। आगे देखते हैं कुछ एप्लीकेशन एनएलपी के, कुछ एप्लीकेशन के एनएलपी का यूज कहाँ कहाँ पर करता है, बाद में हम आगे और देखेंगे। तो एनएलपी के एप्लीकेशन देख लेते हैं। एनएलपी के एप्लीकेशन में अगर हम कहें तो कुछ बता देता हूं, जैसे कि क्वेश्चन आंसरिंग, प्रश्नों का जवाब देते रहना। दूसरा क्या है, स्पैम डिटेक्शन, स्पैम डिटेक्शन यूज होता है। ये बहुत से ईमेल जो अपने ईमेल क्लाइंट हैं, जीमेल हुआ, याहू हुआ, ये स्पैम डिटेक्ट करके स्पैम का एक फोल्डर बना देते हैं, और अपने आपके मेल जो आता है उससे उनके व्यवहार को, उसके नेचर को समझ के ये स्पैम में डाल देते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, आपको पता हो स्पैम मैसेज बहुत सारे आते थे, हमको छांटना पड़ता था, लेकिन अब स्पैम का अलग से फोल्डर बन जाता है और उसको स्पैम में डाल देता है ये, ठीक है। तीसरा है सेंटिमेंट एनालिसिस, सेंटिमेंटल एनालिसिस में क्या होता है, इसको अगर हम बोलें तो एक और शब्द इसके लिए यूज होता है, ओपिनियन माइनिंग। ओपिनियन माइनिंग यानी कि जो यूजर्स हैं उनका जो ओपिनियन है वो किस, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, उस चीज को माइनिंग करना, मतलब एक यूजर का नेचर क्या है, कितना सेंसिटिव है वो, उसका क्या एटीट्यूड है, वो तक हम इससे निकाल सकते हैं सेंटिमेंटल एनालिसिस से। आपके फेसबुक के पोस्ट को एक्सट्रैक्ट करके, आपके ट्विटर की पोस्ट को एक्सट्रैक्ट करके हम पता लगा सकते हैं कि भाई ये किसका है, ये डोनाल्ड ट्रंप को वोट करेगा या जो बाइडन को वोट करेगा, ये मोदी जी को वोट करेगा या राहुल गांधी को वोट करेगा, ये सब चीजें हम लोग उससे निकाल सकते हैं। तो इसका यूज इसी में होता है ज्यादातर, ओपिनियन माइनिंग में, सेंटिमेंटल एनालिसिस। अगला है हमारा मशीन ट्रांसलेशन, मशीन ट्रांसलेशन बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, जैसे कि गूगल का ट्रांसलेट हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, चाइनीज और भी भाषाओं में जो होता है वो ये चीज हो गई। और अगला एग्जाम्पल है स्पेलिंग करेक्शन, अगर आप वर्ड ऑफिस 365 यूज करते हैं तो उसमें भी अब अधिकतर अपने अच्छे वर्ड का स्पेलिंग करेक्शन करने वाले और सॉफ्टवेयर्स भी आ गए। आपने ग्रामरली का नाम सुना होगा, ग्रामरली पूरा का पूरा सेंटेंस को ठीक कर देता है, कहाँ आपने ज्यादा बड़ा सेंटेंस लिख दिया उसको छोटा कैसे कर सकते हैं, ये भी यूज हो जाता है। तो ये जैसे बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है इसका, ग्रामरली, है ना। अगला है स्पीच रिकॉग्निशन, स्पीच रिकॉग्निशन में हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग ऐसा नहीं है कि कौन बोला ये नहीं करना है, जो आपने बोला है स्पीच है उसको टेक्स्ट में बदल देना, इसको कहते हैं स्पीच रिकॉग्निशन, और फिर टेक्स्ट को इनपुट, एज ए इनपुट लेना। अगला है इसका यूज जो वो है हमारा चैट बॉट, अधिकतर बैंक की वेबसाइट और बहुत सी ऐसी वेबसाइट है चैट बॉट का यूज करती है, क्योंकि उनके पास चैटबॉट अधिकतर वो साइट से एप्लीकेशन यूज करते हैं जिनके पास एक कुछ रेटे रेटा क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि भाई आपको पता है कि आप एक पोर्टल चला रहे हैं और वहां पर क्या प्रॉब्लम आती है, वहां पर प्रॉब्लम ये आती है कि यूजर का पैसा कट गया और टिकट जनरेट नहीं हुआ, यूजर का पैसा बढ़ गया रिपोर्ट जनरेट नहीं हुई, बस यही, इससे ज्यादा और कोई आती नहीं है। तो उस केस में आपको पता है कि मुझे बस इससे इसका ट्रांजेक्शन नंबर लेना, ये लेना है, तो ये बार बार एक ही चीज के लिए
मैं कोई यूजर को नहीं रख सकता कि जो टाइप करता है वो सबके आंसर देता रहे। तो हम लोग क्या करते हैं, चैटबॉट बना देते हैं, और वो चैटबॉट क्या करता है, वो जो आपके पास क्वेश्चन आते हैं, आपका नेम आया, नेम आने के बाद आपने पांच प्रॉब्लम बता दी जो उसके पास है, पांच प्रॉब्लम में से उसने ये बोल दिया कि हाँ भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, तो आपने क्या किया, ये किया ये किया ये किया, तो एक पूरा का पूरा उसके पास एक ट्री रहता है क्वेश्चन आंसर्स का, जो वो आपके सामने आपको देता रहता है, और उसके बाद आपसे वो इनपुट ले लेता है और बाद में उसको डेटाबेस में स्टोर करा देता है। तो ये चैटबॉट हमारे बड़े बहुत काम आ जाता है, जिससे कि हम लोग बहुत सारे यूजर्स को एक साथ डील कर सकते हैं। अगला है हमारा इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन। इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन में क्या करना है, अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड मशीन रीडेबल डॉक्यूमेंट से स्ट्रक्चर्ड इन्फो निकालना। अब अनस्ट्रक्चर्ड क्या होती है, जैसे कि मैं किसी क्लास 5th के बच्चे से बोलूं कि भाई आप एक काम करिए कि तो एक ऐसे लिख दीजिए गांधी जी पर, वो तो गांधी जी पर ऐसे लिखता है और एक ही लाइन को बार बार रिपीट कर रहा है, कुछ लाइंस उसकी बड़ी बड़ी हो रही है ना, बार बार लिख रहा है कि भाई मोहनदास करमचंद ही हिज फुल नेम वाज मोहनदास मोहनचंद करम मोहनदास करमचंद गांधी, ही बॉर्न इन इस सन में बॉर्न हुए, इस सन में इनकी डेथ हुई, ऐसा ऐसा लिख रहा है, और ऐसे करते करते बहुत बड़ा लंबा एक ऐसे हो गया। अगर हम चाहते तो उस ऐसे को छोटा कर सकते थे, ठीक है, तो उसको स्ट्रक्चर्ड इन्फो, स्ट्रक्चर्ड क्या, स्ट्रक्चर्ड ये होगा कि भाई हिज फुल नेम महात्मा गांधी जी, जैसे कि विकीपीडिया में लिखा रहता है बॉर्न एज दिस 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 इन द ईयर दिस 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 ऑल्सो नोन एज दिस दिस दिस, ऐसा करके अगर हम 8-10 लाइन को 2 लाइन या 3 लाइन में हम कर दें, तो ये कहते हैं इसको स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड से स्ट्रक्चर्ड बनाना, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्ड जो टेक्स्ट होता है ये इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन में आता है। अगला हमारा जो है वो है नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, यानी कि NLU, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, यानी टेक्स्ट के बड़े से बड़े सेट को फॉर्मेट तरीके से रिप्रेजेंट करने का, करने करने योग्य बना देना, जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक स्ट्रक्चर जो कि NLP के नोटेशन को मैनिपुलेट करने में कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए, कंप्यूटर प्रोग्राम को काफी आसान बना देता है, कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए आसान बना देता है, ठीक है। तो ये NLU, ये भी इसका एक क्या है, एप्लीकेशन है। आगे जो हम लास्ट इसमें जो NLP में पढ़ते हैं वो है, उसके बाद हम लोग प्रोग्रामिंग वाला पार्ट देखेंगे, लेकिन इसमें NLP पाइपलाइन जो पढ़ाया जाता है, NLP पाइपलाइन, ये पाइपलाइन क्या है ये देख लेते हैं। NLP पाइपलाइन में सबसे पहला स्टेप जो है, यहाँ पर हम कुछ स्टेप पढ़ते हैं कि NLP के अंदर कौन कौन से स्टेप आएंगे। स्टेप जो 1 आएगा वो आएगा हमारा सेंटेंस सेगमेंटेशन, सेंटेंस सेगमेंटेशन यानी कि सेंटेंस को NLP जो है ये प्रोग्राम, ये क्या करता है, पैराग्राफ को अलग अलग सेंटेंस में तोड़ देता है। एक पैराग्राफ लिया, अच्छा ये करना कैसे है, ये तोड़ तो देता है लेकिन यू कैसे करते हैं, इसके लिए हम लोग लाइब्रेरीज यूज करते हैं, अब अलग अलग लाइब्रेरीज यूज करते हैं सेंटेंस सेगमेंटेशन के लिए। अगर मैं बात करूं तो सेंटेंस सेगमेंटेशन में हम लोग स्पेसी लाइब्रेरी का यूज, स्पेसी का यूज कर लेते हैं। अगर मैं इसको यूज करके आपको अगले वीडियोस में बताऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पर आइडिया दे देता हूँ। यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट स्पेसी का यूज करके एक मॉडल को लेते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, एक पूरा का पूरा टेक्स्ट इसके अंदर लिख देंगे, जो ये इसको कन्वर्ट कर देगा अलग अलग सेंटेंसेस में, ठीक है। ये होता है हमारा सेंटेंस सेगमेंटेशन। तो अगला जो आता है हमारा स्टेप 2, मतलब आपको पूरे टेक्स्ट को अलग अलग, एक पैराग्राफ को अलग अलग सेंटेंसेस में इसने तोड़ दिया। स्टेप 2 जो है वो है हमारा वर्ड टोकनाइजेशन, काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, वर्ड टोकनिंग या टोकनाइजेशन जिसको कहते हैं। वर्ड टोकनाइजेशन यानी कि वर्ड्स को अलग, वर्ड एक सेंटेंस को अलग अलग वर्ड्स में तोड़ देना। ये देखिए ऊपर क्या हो रहा था, पैराग्राफ को सेंटेंस में तोड़ रहे थे, यहाँ हम लोग सेंटेंस को वर्ड में तोड़ रहे हैं, और ये वर्ड क्या है, वर्ड और वर्ड और फ्रेजेस जो हैं ये हैं हमारे टोकन, ठीक है, वर्ड को ही हम लोग यहाँ पर टोकन का नाम दे रहे हैं। अगला जो स्टेप 3 है, ठीक
ठीक है, तो वर्ड टोकनाइजेशन स्टेप 3 हमारा है, लेकिन वर्ड टोकनाइजेशन किस तरीके से करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूं। वर्ड टोकनाइजेशन के लिए हम लोग स्पेसी लाइब्रेरी का यूज करते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, जो टोकनाइजेशन में क्या करते हैं हम लोग, जो टेक्स्ट है, ठीक है, ये क्या करता है, टोकनाइजर, जो भी हम लोग टोकनाइजर ले रहे हैं, ये इसको टैगर पार्सर, पहले इसको टैगर लेता है, टैगर पार्सर, उसके बाद NER, और उसके बाद ये डॉक्यूमेंट, इस तरीके से इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है। अगला जो हमारा है स्टेमिंग, स्टेमिंग जिसको बोलते हैं, देखिए स्टेप 3 जो है, स्टेमिंग, स्टेमिंग यानी स्टेम से बना हुआ है, स्टेमिंग यानी शब्दों को, वर्ड्स को, जो भी वर्ड्स हैं इनको क्या करना है, इनको नॉर्मलाइज करना है हमको, ठीक है। नॉर्मलाइज करना है यानी कि उनके ओरिजिन ओरिजिनल रूप में, देखिए जैसे कि मैं कहूं इंटेलिजेंस, ठीक है, और या मैं कहूं इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंस हो गया, इंटेलेक्चुअल हुआ, इंटेलिजेंसी हो गया, ठीक है। तो ये सब हैं, लेकिन इनको, इसका जो नॉर्मल वर्ड है जो, वो कौन सा है, वो है इंटेलिजेंट, ठीक है। तो ये उसको तोड़ देना, उसको उसमें नॉर्मलाइज कर देना, ये होता है हमारा स्टेमिंग। स्टेमिंग के लिए हम कौन सी लाइब्रेरी यूज करते हैं, स्टेमिंग के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो है हमारा, अलग अलग टाइप के स्टेमर है, ठीक है, स्टेमर है, जो कि स्पेसी में, स्पेसी इसमें यूज नहीं करते, NLTK का यूज करते हैं। NLTK में हमारे पास है कुछ लाइब्रेरीज जिसको हम लोग यूज कर लेते हैं, NLTK प्लस नंपाई का यूज करते हैं इसमें, उनका यूज करके हम इसमें स्टेमर अपना एक बना सकते हैं। कुछ स्टेमर मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कि स्नोबॉल स्टेमर है, इसका आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, और लैनकास्टर है, लैनकास्टर स्टेमर है, ये भी इसका बढ़िया अच्छा यूज हो जाता है। रेगुलर एक्सप्रेशन, REG एक्सप्रेशन, ये जो हमारा स्टेमर है इसका यूज कर सकते हैं। इनका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इनका यूज करके हम लोग जैसे कि एक और एग्जांपल दूं, जैसे कि कहूं मैं कि ईटिंग, ठीक है, ईट्स, ईटन, या तो ये क्या है, इन तीनों का एक ही है कि ईट, ये ईट से बना हुआ है, ये इसको कहते हैं हम लोग स्टेमिंग, ठीक है। नंबर 4 पर आते हैं, नंबर 4 जो इसका स्टेप है वो है हमारा इसको हम लोग कहते हैं लेमेटाइजेशन, ये लेमेटाइजेशन क्या होता है, लेमेटाइजेशन देखिए स्टेमिंग जैसा ही है, इसमें एक शब्द के अलग अलग जो प्रकार हैं, वेरियस वर्जन्स हैं एक ही उसके, उनका एक ग्रुप बनाया जाता है, एक मैं जैसे कहूं कि वर्ड्स हैं अलग अलग, उसके वो निकल रहे हैं, रूप निकल रहे, तो उनका एक ग्रुप बना देंगे हम यहाँ पर, इसको हम लोग कहेंगे लेमेटाइजेशन, ठीक है। और इस ग्रुप को क्या कहते हैं, इस ग्रुप को कहते हैं हम लोग लेमा, ठीक है। अगला पांचवा जो स्टेप है वो है हमारा आइडेंटिफाइंग स्टॉप वर्ड्स, स्टॉप वर्ड्स क्या होते हैं, देखिए इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो बार बार आते हैं, है ना। अब मान लीजिए कोई क्रिकेटर है, वो पिच के ऊपर कुछ बोल रहा है, या कोई कमेंटेटर है वो कुछ बोल रहा है, तो बार 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 इज एंड द, और ये ऐसे ऐसे अपन लोग बार बार बोलते रहते हैं। हम लोग जो इंग्लिश भाषा बोलते हैं वो एग्जैक्ट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट बोल रहे हो, कुछ भी आ जाएंगे, कुछ कुछ भी जोड़ देंगे, एंड दी एंड ये एंड वो, ऐसा ऐसा बार 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 बोलते रहेंगे। तो ये क्या है, इनको हम लोग कहते हैं स्टॉप वर्ड्स, और ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने के पहले फिल्टर कर दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये दी हुआ,
ठीक है, एंड 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 वो बार वो बोलते हैं ए हुआ, ये क्या है, इनको फिल्टर कर दिए जाते हैं। ठीक है, अगला जो है वो हमारा है डिपेंडेंसी पार्सिंग। डिपेंडेंसी पार्सिंग क्या है, इसमें क्या होगा कि जितने भी वर्ड्स हैं जो एक सेंटेंस में, वो आपस में कैसे रिलेटेड है। ठीक है, एक सेंटेंस है उसमें वर्ड्स ही वर्ड्स हैं, वर्ड वन वर्ड टू वर्ड थ्री, ठीक है, ये मिला के क्या बन गया भाई, ये एक सेंटेंस बन गया। ठीक है, अब ये आपस में कैसे रिलेटेड है, इनका रिलेशन क्या है, ठीक है, इसको देखा जाता है, डिपेंडेंसी पार्सिंग कहते हैं इसको। सातवां जो है वो है हमारा पीओएस टैग्स। पीओएस टैग्स क्या है, तो पीओएस टैग्स ये पार्ट ऑफ स्पीच, पीओएस यानी कि है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है, जिसमें नाउन आता है, वर्ब आता है, एडवर्ब आता है, सब आ जाता है, नाउन वर्ब एडवर्ब। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, और हाँ एडजेक्टिव भी आता है। एक शब्द के एक से ज्यादा पार्ट ऑफ स्पीच हो सकते हैं, और ये चेक करना पड़ता है कि वो किस रेफरेंस में उसका यूज हो रहा है ना। तो ये हो गया हमारा पीओएस टैगिंग। और अगला जो है हमारा आठवां स्टेप है वो है नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन, यानी कि NER जिसको कहते हैं। नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन, देखिए नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन डिटेक्ट करने की जो प्रोसेस है, जैसे कि पर्सन हो गया, इसमें से उठा लेते हैं हम लोग पर्सन, मूवी का नाम है ना, मूवी का नेम हो गया, ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो गया। ठीक है, जैसे कि मैं कहूँ कि भाई मैं जैसे कि मैं हूँ यशवंत वेंट टू आइनॉक्स टू वॉच KGF 2। अब ये मूवी नाम आ गया, आइनॉक्स एक मूवी, एक जगह का नाम हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये एक पर्सन का नाम हो गया, ये क्या है, नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन है ना। नाइन, स्टेप नाइन जो है वो है हमारा चंकिंग। ये CHU है, ध्यान रहे, चंकिंग है। चंकिंग क्या होती है, इंडिविजुअल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और उसको एक बड़े वाक्य के ग्रुप, बड़े वाक्य में एक ग्रुप, बड़े वाक्य के में ग्रुप कर देना। यानी कि जैसे मैं बताया था गांधी जी का ही ऐसे का एग्जाम्पल लिया था कि आपने छोटे छोटे छोटा छोटा पीस लेके एक बड़ा सा सेंटेंस बना दिया, है ना। जैसे कि मैं कहूँ कि महात्मा गांधी के नाम से मशहूर है ना, और करमचंद के पुत्र, और इस सन में पैदा हुए बैरिस्टर की उपाधि से, वो उपाधि लिए हुए, यहाँ पर वकालत किए हुए फलाने फलाने, इनका जन्म, ऐसे अब जैसे बड़ा सा सेंटेंस बना दिया है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं चंकिंग। तो एक बहुत बड़े अलग अलग चीजों से उठा के एक सेंटेंस में आपने पूरा का पूरा उसको, इतनी ज्यादा चीजें कलेक्ट करके आपने ग्रुप कर दिया, उसको कहते हैं चंकिंग। यानी कि इसको अगर हम कहें कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन, और क्या करना है, एक बड़े वाक्य में ग्रुप कर देना है, एंड ग्रुप इनटू अ बिग और लार्ज सेंटेंस। ठीक है, तो ये चीज आ जाती है हमारी चंकिंग। तो ये सभी चीजें हैं जो हम लोग पढ़ते हैं NLP के अंदर। आगे अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो अभी हम लोगों ने देखा सेंटेंस सेगमेंटेशन
और जो एनएलपी पाइपलाइन में जो भी हमने स्टेप अभी पढ़े 9 स्टेप, इनको किस तरीके से यूज करना है। टेक्निकली आपको एनएलपी में यही सब करना है, सेंटेंस सेगमेंटेशन करना है, टोकनाइजेशन करना है, टोकनाइजर कितने टाइप के होते हैं ये हमको पढ़ना पड़ेगा, सेंटेंस सेगमेंटेशन करने के कौन कौन से तरीके हैं वो देखना पड़ेगा, प्रोग्राम बना बना के हमको देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से हमको करना है। तो एक अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो इसके लिए भी आएगा जिसमें हमको ये सब चीजें पढ़ने को मिलेगी। तो आशा करता हूँ आपको ये एनएलपी का ये वाले लेक्चर से थोड़ा बहुत कुछ भी आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि एनएलपी क्या है। बाकी जो लोग इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, मैं बता दूं कि ये काफी आजकल चल रही है और डिमांड में भी है। अगर आप इस दिशा में जाते हैं तो आप प्रैक्टिस करिए और इस वीडियो को देखिए, अपने नोट्स आप बनाइए और थोड़ा सा इसके लिए समय दीजिए, क्योंकि ये समझने के लिए आपको काफी समय देना पड़ेगा और तब जाके आपको ये चीज समझ में आना चालू होगी। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, अगली वीडियो में हम लोग प्रोग्राम्स देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।